इनके लब रंगी की मिठाबल थी के जिसने। चाहे एक सवाल है, क्या एक आम लड़का जो दुनिया भी पढ़ाई सिर्फ उसने की हो, आलिम वगैरह कुछ ना हो, तो क्या वो किसी ऐसी लड़की से निकाह कर सकता है कि जो आलिमा हो या हाफिज़ा हो? सेम यही सवाल लड़की के लिए है कि अगर कोई लड़की दुनिया भी पढ़ाई उसने करी हो तो किसी आलिम से या इस तरीके से किसी दीनी शख्सियत से निकाह कर सकती है। असल में निकाह तो दोनों ही सूरतों में हो जाएगा, यानी अगर आलिम वालिदैन की मर्ज़ी से अगर हो रहा है, दोनों के वालिदैन की मर्ज़ी से हो रहा है, तो निकाह जो है वो हो जाएगा। और वालिदैन की अगर मर्ज़ी नहीं है तो फिर वो कुफू का मसला अटकेगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा निरा जाहिल है तो जाहिर है कि किसी आलिम या ऐसे घराने के शख्स का या आलिमा का, उनके घराने के शख्स का कुफू जो है वो नहीं बन सकता, उसमें मसला पैदा हो सकता है। मगर ये कि वालिदैन राज़ी हैं, तो इस तरह के अगर कोई लड़का दुनिया भी पढ़ाई उसने कर रखी है तो किसी आलिमा से निकाह करेगा तो निकाह हो जाएगा, शादी भी जायज़ हो जाएगी, शादी भी बिल्कुल शरीयत के हिसाब से हो जाएगी। लेकिन इसमें आगे चल के दुश्वारियाँ जो है ना वो पेश आती हैं, क्योंकि खुद हमारी देखी सुनी हुई भी दुश्वारियाँ हैं कि लड़की अगर आलिमा होती है और अगर ऐसे किसी जाहिले मुतलक के घर में चली जाएगी, उसका शोहर जाहिल हो, तो उसमें वो दूसरी परेशानियाँ ख़राबियाँ जो है वो पैदा उसमें हो जाती हैं। लड़की वहाँ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। मिसाल के तौर पे पर्दे का वो ख़ुद भी इंतज़ाम नहीं करेगा और करने की तरगीब भी नहीं दिलाएगा। दूसरी बात ये कि अगर लड़की करना भी चाहेगी तो वो उस पर भी उनके घर वाले या उसका शोहर जो है ना पाबंदी लगाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्पल सवालों में हमारे सामने आते रहते हैं कि उसमें औरतें ये बात का जिक्र करती हैं कि शोहर मजबूर करते हैं कि फलां बारात में चलना है और ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ये पहन के जाना है, वो पहन के जाना है, या नमाज़ें कज़ा हो जाएंगी उसकी फ़िक्र नहीं करते, इस टाइम पे सफ़र पे निकलते हैं कहीं जाने आने के लिए कि बीच में नमाज़ का टाइम चला जाएगा, इसका भी ख्याल नहीं करते। और उनसे क्योंकि शोहर हैं तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करना या घर वालों से बहुत ज़्यादा मामलात को लड़ना झगड़ना भी मुमकिन नहीं होता। तो ये ख़राबियाँ जो हैं वो पेश आ जाती हैं कि अगर लड़की आलिमा हो तो वो अपने इल्म पर जो है उसको अमल करने में बहुत हद तक दुश्वारी होती है। अगर उसने वाकई किसी ऐसे दुनियादार शख्स से कि जो दीन के मामले में जाहिल है, उससे जो है ना वो निकाह कर लिया, क्योंकि इस तरह से फिर वो शादी के बाद की रसूमात में भी लड़का या लड़के के घर वाले फ़ोर्स करते हैं। अब लड़की क्योंकि पर्देदार होती है या पर्दा करना चाहती है तो वो नहीं करवाते, ख़ानदान से नहीं करवाते, रिश्तेदारों में आपस में नहीं करवाते। बाहर तो अगरचे बुरका पहन के निकालते ही हों, लेकिन घर के अंदर ख़ानदान के मामलों में वो पर्दा नहीं करवाते। तो ये दुश्वारियाँ जो है ना वो आलिमा लड़की अगर होती है या पर्दा करने वाली होती है तो पेश आती हैं। अच्छा, इसमें पेश वहाँ नहीं आ सकती दुश्वारी के जहाँ लड़का अगरचे आलिम ना हो लेकिन इतना समझदार हो कि वो शरीयत को समझता हो और शरीयत के आगे अपनी हट धर्मी ना लेकर आता हो, तो वहाँ पर गुंजाइश हो सकती है कि अगर लड़की उससे बोले कि ये चीज़ ज़रूरी है, मैं करूँगी, आपको अगर करना नहीं करना आपकी इख्तियार है, आपको नमाज़ पढ़नी नहीं पढ़नी आपका इख्तियार है, लेकिन मैं पढ़ूँगी, मुझे रोका ना जाए, या मैं पर्दा करूँगी जिससे भी शरीयत में पर्दा, मुझे मना ना किया जाए, तो अगर लड़का इतने समझदार है कि वो गुंजाइश दे देता है कि चलो ठीक है आपकी मर्ज़ी, आपको कोई फ़ोर्स नहीं करेगा, तो ये भी उस घर के मुकाबले में बेहतर है कि जहाँ पे मजबूर किया जाता है बेपर्दगी के लिए। तो कम से कम ये लड़की ऐसी सूरत में यहाँ पे निकाह में कोई लड़की को आगे दुश्वारी नहीं होगी। वरना ये कि ऐसा घराना कि जहाँ पे लड़की जानती है कि ये मामला होने ही वाला, तो वहाँ तो फिर वालिदैन को भी चाहिए कि लड़की का निकाह हरगिज़ वहाँ ना करें कि इतना पढ़ाने के बाद आलिमा बनाने के बावजूद भी वो ताउम्र जो है फिर वो फासिका बन के रहे, बेपर्दा बन के रहे और बेनमाज़ी बन के रहे, और उसको ख़ानदान के सामने एक तरीके से खिलौने की तरह हर बार शादी में पेश किया जाता है। आजकल हाल भी यही है कि ये हमारी बहू है, ये हमारी बेटी है, ये छोटी बहू, ये बड़ी बहू है, वगैरह वगैरह शादियों में जो इस तरीके के मामले होते हैं। तो ये एक तरीके से शोपीस आइटम हो जाती है लड़की घर में जाके कि आलिमा बनने के बावजूद भी उसके ना नमाज़ों का ना पर्दे का कोई ख्याल नहीं। दूसरे है कि फिर गाने बाजों का भी माहौल होगा, तो अगर ऐसा घर होगा तो वहाँ शोहर गाने सुनने वाला, फिल्म ड्रामे देखने वाला होगा, तो ये उसके आगे फिर आगे दुश्वारी होती है, क्योंकि अगर एक ही रूम है या एक ही घर है तो उसके साथ रहना है, तो फिर वो गानों की आवाज़ के साथ, फिल्में ड्रामों के साथ, अब शोहर से अगर बदगलामी करे, बदतमीज़ी करे, तो भी रिश्ते ख़राब होने के पूरे पूरे अंदेशे होते हैं। और ऐसी सूरत में आदमी ज़्यादा जो है वो सख्त मिजाज बन जाता है फ़ौरन, और माज़ अल्लाह कुफ्रिया जुमले तक भी जो है ना वो बोल देते हैं, क्योंकि ख़ुद मुझे
एक खातून ने लिखा था कि एक खातून है, उन्होंने बताया कि इस तरह से आदमी टीवी हमारे देखते हैं, जब हमने उन्हें मना करा कि टीवी फिल्म हम नहीं देखेंगे तो वो हमें भी बुलाते हैं कि आओ देखो ये फिल्म अच्छी है, ये गाना अच्छा है, कि हम मना करते हैं तो माज़ल्ला वो कहते हैं कि तू बहुत अल्लाह की बहन बन रही है और तुझ जैसी मुल्लानी तो सड़कों पर मारी मारी फिरती हैं वगैरह वगैरह। ये एग्ज़ाम्पल और मिसाल है आपके लिए कि ये सब खराबियाँ जो है ना आदमी के जहन में आ जाती हैं, फिर आदमी उसकी शरीयत और खुदा को लेकर या दीन को लेकर बदगलामी करना शुरू कर देता है कि तू बहुत ऐसी तू बहुत वैसी, तो फिर इस सब ऐसा भी मामला आ जाता है। तो आलिमा को तो बिल्कुल घर वालों को चाहिए कि अगर लड़की को उन्होंने पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया है कि वो दीन या सुन्नियत की खिदमत कर सके खवातीन में रहकर, तो उसका निकाह भी फिर जो है ना ऐसे ही घराने में करे कि जहाँ पर दीनदारी का माहौल हो, कम से कम शोहर तो उसका ऐसा हो कि जो इतना जाहिल ना हो कि गुनाह पर मजबूर करे। सेम यही प्रोसेस आपने पूछा कि अगर लड़की हो तो उसके लिए भी यही है, लड़के के लिए भी यही है। लड़के के लिए लड़की की बनिस्बत आसानी है, यानी अगर लड़का आलिम दीन और वो किसी जाहिल से निकाह करना चाहेगा तो उसके लिए आसानी ये है कि लड़की के अंदर कम से कम इतनी बदगलामी का जो है वो इजहार नहीं होता है। लड़के के लिए आसानी क्योंकि उसको अपने घर लाना है तो वो अपने हिसाब से ढाल सकता है, सिखा सकता है, अपना हुक्म चला सकता है, पर्दे के लिए नमाज के लिए मजबूर कर सकता है। तो अगर लड़का आलिम दीन और किसी दुनियावी लड़की से करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि वो उसे जो है अच्छे रास्ते पे ले आएगा तो इंशाल्लाह उसके अमल का भी सवाब जो है वो पाएगा। लेकिन लड़की के लिए शोहर को लाना ये 100 केसों में से एक केस होता होगा, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आलिमा लड़की को जाहिल लड़के से निकाह से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए, कोशिश करे कि ना करे, या कम अज़ कम आलिम ना हो तो इतनी सलाहियत वाला हो जो मैंने बताया कि वो एतराज़ ना करे किसी भी चीज़ में, कम से कम उलमा के साथ उठने बैठने वाला तो इतना तो हो कि दीन से बिल्कुल गाफिल ना हो या अकायद क्या कहते हैं उसको इतना मालूम ही ना हो, इन चीज़ों से वाकिफ हो तो लड़की को आसानी हो जाएगी और लड़का निकाह करना चाहे तो कर सकता है। पत्थर